सीता कुंड सीतामढ़ी बिहार भारत के मध्य में स्थित इतिहास पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता से भरपूर एक स्थान है। ये पवित्र स्थल भक्तों और तीर्थ यात्रियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि ये श्रद्धेय हिंदू देवी माता सती और उनकी महाकाव्य यात्रा से निकटता से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम सीता कुंड से जुड़ी मान्यताओं और माता सती से इसके गहरे संबंध के बारे में विस्तार से जानेंगे। सीता कुंड के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले माता सती की कथा को जानना होगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार सती राजा दक्ष की बेटी और भगवान शिव की प्रिय पत्नी थी। वो भगवान शिव के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जानी जाती थी, जिससे अक्सर उसके पिता दक्ष नाराज हो जाते थे, जो शक्तिशाली देवता के प्रति उतनी श्रद्धा साझा नहीं करते थे। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और अपने दामाद के प्रति अपना तिरस्कार दिखाते हुए जानबूझकर भगवान शिव को कार्यवाही से बाहर रखा। अपने पिता से कृत्य से अत्यंत आहत और अपने पति के प्रति अपमान सहन करने में असमर्थ सती ने स्वयं को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया। सती के बलिदान के बारे में जानकर भगवान शिव दुख और क्रोध से भर गए। उन्होंने उसके निर्जीव शरीर को उठाया और विनाश का एक दिव्य नृत्य तांडव करना शुरू कर दिया। उन्हें शांत करने और प्रलय को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को अब शक्तिपीठ, स्त्री ऊर्जा और आध्यात्मिकता का शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। सीता कुंड, जिसे पुनौरा के नाम से भी जाना जाता है, इन पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सती की नाभि इस स्थान पर गिरी थी। कुंड शब्द पानी के एक पवित्र कुंड को संदर्भित करता है और सीता कुंड अपने क्रिस्टल स्पष्ट झरने के लिए प्रसिद्ध है। भक्तों का मानना है कि इन पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद मिलता है। सीता कुंड की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री अक्सर उस स्थान पर व्याप्त शांति और दिव्यता की भावना का वर्णन करते हैं। वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, जो इसे ध्यान और प्रार्थना के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। आगंतुक माता सती को श्रद्धांजलि देने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए अनुष्ठानों और पूजाओं में भी भाग लेते हैं। हर साल सीता कुंड एक भव्य मेले का आयोजन करता है, जिसे सीता कुंड मेला के नाम से जाना जाता है, जो दूर दूर से हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। ये आयोजन भक्ति और संस्कृति का एक जीवंत उत्सव है, जिसमें धार्मिक जुलूस, सांस्कृतिक प्रदर्शन और धार्मिक कलाकृतियाँ और स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन बेचने वाले असंख्य स्टॉल शामिल हैं। हाल के वर्षों में सीता कुंड को एक धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में संरक्षित और विकसित करने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करते हुए बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। बिहार के सीतामढ़ी में सीता कुंड हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता की समृद्ध टेपेस्ट्री के जीवित प्रमाण के रूप में खड़ा है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ माता सती से जुड़ी मान्यताओं का सम्मान किया जाता है और उनका जश्न मनाया जाता है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को इसकी पवित्र आभा का अनुभव करने के लिए आकर्षित करता है। जैसे जैसे तीर्थयात्री इस पवित्र स्थल पर आते रहते हैं, सती की कथा और सीता कुंड का महत्व अनंत काल तक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।